आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना मफिन्स। ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक बड़ा बाउल लेंगे और इसमें 1.5 कप मैदा लेंगे। ये 1.5 कप मैदा हो गया। अब हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून भर के शक्कर डालेंगे। इसकी जगह पे आप पाउडर शुगर भी ले सकते हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपके बनाना ज़्यादा मीठे हों तो आप शुगर की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अब ये हमने 3 यहाँ पे बनाना ले लिए हैं। ये अच्छी तरह से बनाना पके हुए बनाना है। अक्सर घरों में बनाना रखे रखे ऐसे पक जाते हैं जिससे हम उठा के बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि ऐसे बनाना को खाना कोई पसंद नहीं करता। तो अब जब भी आपके घर में बनाना रखे रखे इस कंडीशन पहुँच जाएँ तो आप उसे मफिन्स बनाना ना भूलें। इसका छिलका उतार लेंगे। और इसे छिलका उतारने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से मैश करना है। आप चाहें तो इसी बाउल में इसे बीटर की मदद से मैश कर सकते हैं या फिर इस तरह से जैसे हम मैश कर रहे हैं फोक की मदद से। इसे एक प्लेट में रख के इस तरह से फोक से आसानी से मैश कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से मैश हो जा रहा है। अब हम इसे बाउल में डाल देते हैं। इसमें 1 टीस्पून वैनिला एसेंस डालेंगे और 1 अंडा लेंगे जो कि रूम टेम्परेचर पे हो, क्योंकि बेकिंग में आप हमेशा रूम टेम्परेचर पे लिया पे रखा हुआ ही अंडा यूज़ करें। और इसमें हमने 2 चम्मच भर के ऑयल डाला है। आप इसकी जगह पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बीटर की मदद से। आप इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। अब इसे हम मैदे वाले मिक्सचर में मिला देंगे। इसे सारा अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे और हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे। ये सारा मिक्सचर आपस में मिल गया है। अब इसमें हम चॉकलेट चिप्स डालेंगे। इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा चॉकलेट चिप्स होंगे बच्चों को उतना ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब हम इसे मोल्ड में डालेंगे। ओवन को प्री हीट कर लीजिएगा पहले से, कि जितनी देर हम ये मिक्सचर बनाने में लगाते हैं उतनी देर में ओवन प्री हीट हो जाएगा। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे लगभग 20 मिनट तक हम इसे बेक करेंगे। इसमें 1-1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है। अब हम इसके ऊपर से भी चॉकलेट चिप्स डाल देते हैं, क्योंकि बेक होने के बाद बहुत ही अच्छे लगेंगे। इसे बेक होने के लिए रख देते हैं ओवन में। ये हमारे मफिन्स बेक हो गए हैं और देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। ये बहुत ही सॉफ्ट है। अब हम इसे निकाल के दिखाते हैं कि ये कैसे बने हैं। इसे हम तोड़ के दिखाते हैं आपको। देखिए अंदर से कितने अच्छे से पक गए हैं और इसका चॉकलेट भी अंदर का मेल्ट हो गया है। तो आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।